आप में से कई लोगों ने जब वी मेट मूवी देखी होगी। इस मूवी में एक सीन है जहां शाहिद कपूर और करीना कपूर होटल में चेक इन कर रहे होते हैं, पर क्योंकि वो अनमैरिड होते हैं, जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो उनको बुरी तरह जज करता है। उनको रूम तो मिल जाता है, पर उसके बाद एक पुलिस रेड होती है जिसकी वजह से कई अनमैरिड कपल्स जो उस समय होटल में थे उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। कितने घंटे के लिए चाहिए? पर ये कहानी बस एक बॉलीवुड मूवी की ही नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में भी ऐसा देखा गया है। पूजा, जो मुंबई में एक पीआर एग्जीक्यूटिव हैं, वो एक 2016 के इंसिडेंट के बारे में बताती हैं, जहां जब वो होटल में चेक इन कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तब होटल का स्टाफ भी उनको जज कर रहा था। वो कहती कि इसके बावजूद कि वो दोनों अडल्ट थे, उनको एक रूम नहीं दिया गया। और हमें पता है कि ये एक्सपीरियंस बहुत यूनिक नहीं है इंडिया। कई लोग कम से कम शादी तक अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, इससे उससे पहले उनको प्राइवेसी के लिए होटल रूम ही जाना पड़ता है। अब होटल रूम ना मिलना तो बस एक कॉन्सिक्वेंस है, उससे बुरे भी कई कॉन्सिक्वेंसेस लोगों को झेलने पड़े हैं, जैसे जब पुलिस उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है, या फिर कई रिलीजियस हार्डलाइन ग्रुप्स जैसे बजरंग दल उन कपल्स को अटैक करते हैं वैलेंटाइन जैसे इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए। हाथ में हाथ डाल के बाहों में बाहों डाल के घूमना गलत है। अच्छा। ये हमारी संस्कृति है, धार्मिक व्यक्ति जो लोग होते हैं ना, उन पर गलत असर डालता है। सर, हम मतलब काफी जो मनचले सड़क पे घूमते हैं उनके ऊपर नजर रख सकते हैं। तो जैसे मान लो तुम सड़क पे जा रहे हो, तुमको कोई मनचला दिखा, कैसे पता चलता है? अलग से पहचान लेते हो, देख के पहचान लेते हो। सर बिल्कुल। अब इंडिया जैसी कंजर्वेटिव सोसाइटी में, जहाँ अनमैरिड लोग का घूमना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसी सोसाइटी में कई नई कंपनीज आई हैं जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही हैं, और उन कंपनीज ने एस्टैब्लिश करे हैं लव होटल्स, जहाँ कपल्स को शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ स्टे मिल सकता है। और इन्हीं लव होटल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब लव होटल्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में जरूर नया है, पर वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। जैसे जापान को उदाहरण लीजिए। लव होटल्स हैव ऑलवेज बीन अ स्टेपल ऑफ जापान। दे ऑफर अ वेरी सिंपल एलिगेंट आंसर टू एन ऑल टू कॉमन प्रॉब्लम। जापान में करीब 30,000 से ज्यादा लव होटल्स हैं, और ये होटल्स हर बड़े शहर में पाए जा सकते हैं। लव होटल्स की इंडस्ट्री जापान में $40 बिलियन की इंडस्ट्री है। जापान को अपना पहला लव होटल मिला था 1968 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई लोग अपने एक्सटेंडेड फैमिलीज के साथ रहते थे, इसलिए प्राइवेट मोमेंट्स एक्सपीरियंस करने के लिए लव होटल्स एक एस्केप रूट बन गए इन जापानीज कपल्स के लिए। इसके अलावा जब ऑटोमोबाइल्स इंट्रोड्यूस हुई जापान में 1960s में, ये कॉन्सेप्ट और बढ़ गया। और ये लव होटल्स प्राइवेसी के अलावा कपल्स को एमेनिटीज और एक थीम भी देते थे, जैसे मेगुरो एम्परर, जो 1973 में खुला था जापान में, पहला कासल स्टाइल लव होटल था। आज आप कई तरीके के लव होटल देख सकते हैं, चाहे वो अंडर वाटर थीम के ऊपर हो या फिर यूएफओ थीम के ऊपर। और जैसा हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ी एडवांटेज इन लव होटल्स की होती है प्राइवेसी। जापान में जब आप किसी लव होटल में जाते हैं, तब आप किसी स्टाफ से मिलते भी नहीं है। जब आप होटल एंटर करते हैं, आपको एक स्क्रीन दिखाई देता है जहां रूम्स, उनकी फैसिलिटीज और उनकी कॉस्ट डिस्प्ले की जाती है। आपको बस रूम सेलेक्ट करना होता है और आपको रूम की एक्सेस मिल जाती है। जब आप अपनी गाड़ी भी पार्क करते हैं पार्किंग लॉट में, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट कवर कर दी जाती है ताकि आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट रहे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये तो जापान और वेस्टर्न सोसाइटीज में, इंडिया में ऐसी चीजें नहीं होती। पर इंडिया में भी कई कंपनीज अब लव होटल्स खोल रही है। स्टे अंकल, ब्रेवी स्टे, माई स्टे, बैक टू बैक और ओयो के रिलेशनशिप मोड कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे लव होटल्स के। स्टे अंकल के को फाउंडर संचित सेठी ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए जिनकी वजह से उन्होंने लव होटल स्टार्ट करे इंडिया में। उनका इनिशियल बिजनेस मॉडल था उन ट्रैवलर्स को टारगेट करना जो बहुत छोटे टाइम के लिए आते थे, जैसे बिजनेस ट्रैवलर्स। पर उन्होंने देखा कि 99% इंक्वायरीज अनमैरिड कपल से आ रही थी, इसीलिए उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया और अनमैरिड कपल्स पर फोकस करने लग गए। और स्टे अंकल की टैगलाइन हो गई, कपल्स नीड अ रूम नॉट अ जजमेंट। वो कहते हैं कि बहुत कम होटल्स ही साइन अप कर रहे थे इनके प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि कई लोग मानते थे ये उनके कल्चर के खिलाफ है। पर कुछ ही महीनों के अंदर उन होटल्स को रियलाइज हो गया कि इस बिजनेस में कितनी डिमांड है। आज की डेट तक स्टे अंकल ने करीब 1,000 होटल से ज्यादा के साथ पार्टनरशिप करी है 40 शहरों में, इंक्लूडिंग ऐसे शहरों में जो सोशली कंजर्वेटिव माने जाते हैं, जैसे पटना और भोपाल। स्टे अंकल के होटल्स कपल्स को शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफर करते हैं, जैसे 8 से 10 घंटे के रूम्स। इसके अलावा वो लव किट्स भी देते हैं जिसमें कई आइटम्स होते हैं जैसे कॉन्डम्स। इस स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करते हुए स्टे अंकल के सीईओ अमित शर्मा कहते हैं कि वो होटल के बिजनेस में नहीं है बल्कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बिजनेस में। पर ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना आसान नहीं था। स्टे अंकल के को फाउंडर्स को कई धमकियां मिली है सोशल मीडिया पर। वो कहते हैं कि एक मदर ने उनको कई गालियां दी थी ये कहते हुए कि ऐसे होटल्स उनकी यंग डॉटर के कल्चर को बिगाड़ सकते हैं। पर स्टे अंकल की सक्सेस हमें बताती है कि ऐसे होटल्स की डिमांड अभी बहुत है इंडिया। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्किलशेयर के बारे में बताना चाहता हूँ, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया और मेरी जर्नी में मुझे सपोर्ट किया है। आप में से कई लोग हमारी रिसर्च स्किल्स को प्रेज करते हैं, पर आई थिंक एक चीज जो कई लोग रियलाइज नहीं करते कि रिसर्च के अलावा स्टोरी टेलिंग
भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वीडियोस में। अब ये सही बात है कि स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस के साथ ही इंप्रूव होती है, पर मैंने अपनी स्टोरी टेलिंग पर कॉन्शियसली काम भी किया है कई ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज करके, स्पेशली स्किलशेयर। स्किलशेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहां हजारों क्लासेस है उन लोगों के लिए जो अपनी क्रिएटिव जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने एक क्लास ली थी स्टोरी टेलिंग के बारे में जो न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर ने कंडक्ट करी थी, और मुझे एक क्लास बहुत ही यूजफुल लगी। एक बहुत ही अच्छी बात जो मुझे लगी इस क्लास के बारे में वो थी कि जो उनका एडवाइस था वो बस उन लोगों के लिए नहीं था जो बस बुक्स लिखना चाहते, बल्कि मैं भी अप्लाई कर सकता था अपनी स्क्रिप्ट्स के लिए। और स्किल शेयर पर आप इंडियन क्रिएटर्स की भी क्लासेस पा सकते हैं। जैसे एक क्लास है मनुश्री मिश्रा की जहां वो वाटर कलरिंग के बारे में बात करती हैं। एक और क्लास है विजय असवानी की जहां वो इलस्ट्रेशन के बारे में बात करती हैं, स्पेशली इंडियन वेडिंग कार्ड्स के लिए। और अगर आप भी कोई क्रिएटिव स्किल सीखना चाहते हैं तो स्किल शेयर का एनुअल प्लान 2000 रुपए से भी कम है, यानी कि करीब 166 रुपीज पर मंथ, जो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में अगर आप लंच भी करोगे उसकी कॉस्ट से भी कम है, और जिससे आपको सारी क्लासेस मिलती हैं वो भी एड फ्री। डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्किलशेयर को ज्वाइन करने के लिए। पहले 1000 लोग जो उस लिंक के जरिए स्किलशेयर को ज्वाइन करेंगे उनको 1 महीने का फ्री ट्रायल भी मिलेगा, तो लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। पहला और जो बहुत ऑब्वियस कारण है कि ये होटल्स कपल्स को प्राइवेसी देते हैं और फ्रीडम देते हैं। बॉलीवुड की कई कल्ट रोमांटिक मूवीज में कई बार दिखाया गया है कि कैसे हीरो और हीरोइन अपना रिलेशनशिप अपनी फैमिली से छुपाते हैं। ऐसा है क्योंकि लव मैरिजेस इंडिया में अभी भी बहुत रेयर है। अर्बन इंडिया में हुए एक 2018 सर्वे के हिसाब से बस 3% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि उनकी मैरिज लव मैरिज थी। और लव मैरिज करना इंडिया में बहुत मुश्किल है क्योंकि ऐसे कपल्स को उनकी फैमिली ही नहीं रोकती बल्कि सोसाइटी भी रोकती है। जैसे हैदराबाद के इंदिरा पार्क के आगे एक पोस्टर लगा हुआ है कि अनमैरिड कपल्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द पार्क। इनफैक्ट कई पॉपुलर वेबसाइट जैसे क्लियर ट्रिप या फिर मेक माय ट्रिप के जरिए आप एक रूम तो बुक कर सकते हैं, पर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा होता है कि उनके होटल्स एक अनमैरिड कपल की एंट्री को डिनाई कर सकते हैं। कोलकाता में एक इंसिडेंट भी हुआ था जहां एक मेट्रो में एक यंग कपल को उनके को पैसेंजर्स हरास कर रहे थे क्योंकि अलेजेडली वो यंग कपल एक दूसरे से बहुत क्लोज था, और इसी कल्चर और मेंटालिटी को लव होटल्स चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। संचित सेठी कहते हैं कि इंडिया में कोई भी लॉ नहीं है कि अनमैरिड कपल्स एक रूम रेंट नहीं कर सकते। अगर उनके पास एक गवर्नमेंट आईडी कार्ड है तो उनको रूम मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम 1950s में तो नहीं जी रहे। इन लव होटल्स के अलावा कई यंग कपल्स एयरबीएनबी की सर्विसेज भी यूज कर रहे हैं। जैसे एक 23 साल के अडल्ट ने अपने एयरबीएनबी एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि एक रूम रेंट करने के लिए मुंबई में उनको ये प्रूव नहीं करना पड़ा कि वो शादीशुदा है। वो एक मराठी फैमिली के साथ रहे जिन्होंने उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया। दूसरा कारण जिसकी वजह से ये लव होटल्स बहुत बूम कर रहे हैं वो है कि जो प्री मैरिटल रिलेशनशिप का टैबू है इंडिया में वो अब कम हो रहा है। प्री मैरिटल रिलेशनशिप टैबू का मतलब कि अनमैरिड कपल्स डेट कर सकते हैं और एक साथ घूम सकते हैं। और बढ़ते डेटिंग एनवायरनमेंट के पीछे एक कारण हो सकता है कि इंडिया में अब एम्प्लॉयमेंट के लिए कई लोग अपने शहरों और गाँव से माइग्रेट कर रहे हैं। इस माइग्रेशन की वजह से कई लोग फिर अपनी फैमिली के घर को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए डेटिंग करना ज्यादा आसान हो जाता है। और डेटिंग एप्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस चीज में। अब चाहे इन दोनों कारणों की वजह से यंग कपल्स के लिए आसान हो गया लव होटल्स की सर्विसेज यूज करना, पर इसकी वजह से एक टेंशन भी क्रिएट हो रही है पुराने कल्चर और नए कल्चर के बीच। जैसे कोयम्बटूर में 2019 में एक इंसिडेंट हुआ था जहां ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की मेंबर्स कोयम्बटूर के कलेक्टर्स ऑफिस के अंदर घुस गई थी एक कंप्लेंट के साथ। वो एक ओयो होटल को बंद करना चाहती थी जो अनमैरिड कपल्स को रूम्स दे रहा है। उनका कहना था कि इस होटल की वजह से उनके शहर का माहौल बिगड़ रहा है। अगले दिन लोकल तहसीलदार ने वो होटल की प्रॉपर्टी सील कर दी और एक कपल जो उस होटल में रह रहा था उस टाइम उनको फिर पुलिस स्टेशन भेजा गया। अब चाहे मद्रास हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया था, इनफैक्ट कोर्ट ने कहा कि एक लिव इन रिलेशनशिप दो अडल्ट्स के बीच कोई ऑफेंस नहीं है। और इनफैक्ट जब जर्नलिस्ट निधीश एमके ने ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन के मेंबर से इस बारे में पूछा, उस मेंबर ने कहा कि आजकल के यंग लोगों को शादी के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन लड़कियों की शादी कैसे होगी अगर वो लव होटल्स को यूज करेंगी? अब जो कमेंट उस महिला ने किया वो हम कई बार सुन चुके हैं अपनी फैमिली से या फिर आस पड़ोस के लोगों से। पर सवाल यह है कि इस कंजर्वेटिव कल्चर के बावजूद लव होटल्स की डिमांड इतने सारे शहरों में कैसे आ रही है? उसका क्लियरली ये भी मतलब है कि इंडिया का कल्चर थोड़ा बहुत तो चेंज हो रहा है। जैसे जिस कोयम्बटूर के नेबरहुड में वो ओयो होटल था जिसके बारे में कॉन्ट्रोवर्सी थी, उस नेबरहुड का नाम है नव इंडिया यानी कि न्यू इंडिया, और वो एक पॉश कॉलोनी में है। इस कॉलोनी में करीब 11 कॉलेजेस और स्कूल है। अब क्योंकि कई यंग लोग इस कॉलोनी में आते हैं, इसे बहुत कॉमन हो गया ये देखना कि कई
कई यंग कपल्स अपने हाथ पकड़े हुए कॉलोनी में घूम रहे होते हैं और ऐसे कल्चर चेंज की वजह से ही क्लैश देखने को मिल रहा है। जैसे उधर के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी कहते हैं कि कई रेसिडेंट्स उस होटल से तंग आ गए हैं। उनकी कंप्लेंट है कि कई होटल के गेस्ट कई इनडिसेंट प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे ड्रिंकिंग या फिर स्लीपिंग टुगेदर। वो कहते हैं कि उनका एक बेटा है उनके घर में और वो उसको ऐसा कल्चर नहीं दिखाना चाहते। तो अब इस कल्चर क्लैश की वजह से इन लव होटल्स का फ्यूचर क्या है? दिल्ली के एक होटल बिजनेसमैन कहते हैं कि स्टे अंकल ने एक माइंडसेट तो बदला है पब्लिक का, पर कई होटल्स अभी भी ये पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाहते कि वो अनमैरिड कपल्स को रूम दे रहे हैं। इनफैक्ट वो कहते हैं कि कई बार होटल का स्टाफ भी पूछता है कि वो अनमैरिड कपल्स को क्यों रूम दे रहे हैं, जो हमें क्लियरली दर्शाता है कि इसके बावजूद कि लव होटल्स की डिमांड है जो सोसाइटल चेंज को मैच कर रहा है, पर कई लोग, चाहे वो लोग हो जो डिफरेंट जनरेशन से हैं और कई पॉलिटिकल ग्रुप्स, वो अभी भी अपने माइंडसेट को नहीं बदलना चाहते। अलग से पहचान लेते हो, देख के पहचान लेते हो। बिल्कुल।